वेलकम बैक, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज प्रज्ञा एंड यू आर वॉचिंग द ग्लैम हैक्स। सो आज की वीडियो में हम ऑब्वियसली राखी की वीडियो है तो राखी बनाएंगे एंड साथ ही साथ जिनकी भाभियां हैं हम उनके लिए कलीले भी बनाएंगे क्योंकि भाई के साथ साथ भाभी को भी याद रखना बहुत जरूरी है। सो वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो और खूब सारा थम्स अप देना, खूब सारा लाइक करना और एंड यस, वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ तो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसका जो ही सबसे सही और सबसे पहले आंसर देगा विथ हैशटैग आस्क प्रज्ञा के साथ मैं उसका नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्लैश करने वाली हूँ। सो वॉच टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। सो मैं जो फर्स्ट हैक है वो हम शुरू करेंगे लुम्बा यानी कलीरे से बिकॉज लेडीज़ फर्स्ट। सो इसके लिए हमें कुछ पुराने बैंगल चाहिए और उसके साथ साथ हमें कुछ लेस चाहिए। तो ये जो लेस मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही बेसिक सा लेस है, बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है कहीं पे भी। इस तरीके से आपको बैंगल को कवर कर लेना है, फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते रहना है और फिर इसको पिन करके छोड़ देंगे जिससे ये सूख जाए। फिर हमें ग्लिटर पेपर लेना है और ग्लिटर पेपर से कुछ इस तरीके से कोन बनाना है, फिर हम इसे स्टेपल कर लेंगे या सुई धागे से सिल लेंगे। फिर हम नीचे के साइड में कुछ इस टाइप का लेस लगाएंगे और लेस को हम सुई धागे की हेल्प से सिल सकते हैं और यहाँ पे भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। और फिर ऐसा ही सेम एक और कोन बनाएंगे तो एक बड़ा और एक छोटा होना चाहिए जिससे थोड़ा झूमर वाला लुक आएगा। और फिर कुछ मोतियाँ लेंगे और उन मोतियों को बैंगल में जहाँ पे हमने लेस अटैच किया था ना वहाँ से लगाएंगे। तो उसके पहले हम एक सिंपल सा लेस लेके इस बैंगल के ऊपर एक रोल करेंगे जिससे ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और उसके बाद इन मोतियों के हेल्प से इन दोनों झूमर को आपस में अटैच कर देंगे। नीचे के साइड में आप नॉट ज़रूर लगा देना। सेकेंड DIY के लिए सिंपल सा ग्लिटर पेपर लिया है, आप इसकी जगह पे किसी क्लोथ का भी यूज़ कर सकते हो और इसको राउंड शेप में कटिंग किया है। और फिर हम वही वाला लेस ले रहे हैं तो लेस अभी मेरे पास ये वाली थी इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी लेस ले सकते हो और इसको ऐसे राउंड करके लगा देना है। फिर एक और कलर का ग्लिटर पेपर लिया है मैंने और उसको इसके सेंटर में मैं पेस्ट कर दूंगी। तो ग्लिटर पेपर का क्या बेनिफिट होता है ना कि अगर आपकी राखी पानी में गीली भी हो गई तो भी वो जल्दी ख़राब नहीं होगी और सॉफ्ट होता है इसलिए बनाना भी आसान है। फिर नीचे के साइड में मैंने ये लिया है पेपर और पेपर पे मैं फेविकोल लगा रही हूँ, इसकी जगह आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो और उसके बाद इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से पेस्ट करने के बाद अब हम इसके ऊपर लिखेंगे भाई। भाई लिखने के लिए यहाँ पे मैंने आउटलाइनर का यूज़ किया है जो कि येलो कलर का है, आप चाहो तो ग्लिटर पेन वगैरह का भी यूज़ कर सकते। सो हमारा जो थर्ड DIY है वो हमारे सेकेंड DIY से मैच करता हुआ है क्योंकि हम कपल के लिए यहाँ पे लुम्बा और राखी बना रहे हैं। तो सेम वैसा ही राउंड बनाना है और उसमें ही आपको लेस जॉइन कर लेना है और फिर सेंटर में जो कलर जो चीज़ें वहाँ पे यूज़ की थी वही चीज़ सेम टू सेम करेंगे, इस तरीके से पेपर को पेस्ट करेंगे। और फिर हम मोतियाँ लेंगे और इन मोतियों को इस तरीके से बड़ा छोटा करके दोनों जो लुम्बे का पार्ट है उन दोनों के नीचे के साइड में लगा देंगे। तो इनकी जगह पर आप छोटी मोतियाँ, वाइट मोतियाँ, इन सब चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो। और सेंटर में अब हम लिखेंगे भाभी, जैसे उनमें भाई लिखा था वैसे ये भाभी के लिए। फोर्थ नंबर जो DIY है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि बच्चे जो है राखी पहनना नहीं चाहते हैं, तो जिनके भी भाई छोटे हैं ना वो ये वाला ट्रिक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ब्लू और वाइट कलर के कुछ पेपर कटिंग करने हैं जैसे मैंने कटिंग किए हैं, रेड कलर का भी पेपर है। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं डोरेमोन, तो डोरेमोन के हेड के लिए आपको लाइट ब्लू कलर का बड़ा राउंड, फिर आपको वाइट कलर का छोटा राउंड, फिर दो और छोटे राउंड चाहिए आइज़ के लिए और फिर एक रेड कलर का कट चाहिए हाफ सर्कल माउथ के लिए और एक छोटा रेड कलर का कट चाहिए
नोज़ के लिए। तो इसको जिस तरीके से मैं पेस्ट कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको पेस्ट करते जाना है। इसकी जगह पे आप किसी और अच्छे पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपल कॉटेज शीट का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी यही अवेलेबल था। तो इसकी जगह पे आप कुछ ऐसा पेपर ले सकते हो जो वाटर प्रूफ हो और पानी में ख़राब ना हो। तो इस राखी की स्पेशलिटी ये है कि डोरेमोन तो हमने बना लिया, बट हम इसको ऐसा बनाएंगे कि आपको बांधते टाइम प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो बांधने नहीं देते राखी। तो आप क्या कर सकते हो कि उनको इजीली इसको पहना सकते हो। तो सबसे पहले इसको ना आउटलाइन कर लेना है हमें, जैसे डोरेमोन के जो फेस होते हैं ना उनमें सब जगह पे ब्लैक ब्लैक आउटलाइन होता है, सेम टू सेम आपको वैसे ही कर लेना है। डोरेमोन तो बन के रेडी हैं। अब हम इसका बैंड वाला पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें एक रबर बैंड चाहिए पतला वाला। यहाँ पे मैं ब्लू कलर का रबर बैंड ले रही हूँ और डोरेमोन को पहले हम ग्लिटर पेपर के ऊपर पेस्ट करेंगे, या आप ऐसे कर सकते हो पहले ग्लिटर पेपर को रबर बैंड के ऊपर ऐसे सिल दिया या पेस्ट कर लिया, फिर डोरेमोन का जो हेड है उसको इसके ऊपर पेस्ट कर देना है और इसको अच्छे से सूखने देना है। इससे क्या होगा ना कि आप बच्चे को राखी जो है ईजिली हाथ में पहना सकते हो स्ट्रेच करके। हैक नंबर 5 जो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग कई लोग होते हैं ना राखी पहनना पसंद नहीं करते बहुत टाइम तक। तो ये वाली राखी आप बहुत लंबे टाइम तक पहन सकते हो। सो बेसिकली ये मैच्योर लोगों के लिए है। तो इसके लिए आपको कुछ मोतियाँ चाहिए और उन मोतियों को आपको धागे में कुछ इस तरीके से सीक्वेंस वाइज लगाना है। पहले छोटा लगाना है, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद आप पैटर्न जो भी बना सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 2 साइज़ की गोल्डन मोतियाँ हैं, तो मैं उनको एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा करके इस तरीके से लगा रही हूँ। एंड वापस से वही सीक्वेंस जो है वो रिपीट करना है। तो वापस से उन्हीं पर्ल्स को वापस लगाएंगे और उसके बाद हमें चाहिए मॉली। और इस मॉली को हम इसी थ्रेड की हेल्प से दोनों साइड में बांधेंगे। तो मेक श्योर कि आपको नॉट जो लगाना है ना वो आप बहुत अच्छे से लगाना, क्योंकि जितना अच्छा नॉट होगा राखी उतने लंबे टाइम तक चलेगी। तो इसकी जगह पे आप मॉली की जगह पे कोई और थ्रेड लेके यूज़ कर सकते हो, या आप इसकी जो ब्रेड बना के यूज़ करते हैं वो बना करके यूज़ कर सकते हो। तो और इनमें ना जितना भी क्रिएटिव आप पर्ल यूज़ करोगे आपकी राखी उतनी ज़्यादा क्रिएटिव बनेगी। तो मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उससे बनाया, बट आप चाहो तो आप अच्छे पर्ल्स खरीद के या किसी पुरानी ज्वेलरी के पर्ल्स से भी राखी को बना सकते हो। और जब दूसरे साइड मैंने मॉली जो है ज्वाइंट कर लिया था, तो मैं वापस से नीडल को रिवर्स ला रही हूँ। एंड रिवर्स लाने से क्या होगा ना कि ये स्ट्रांग हो जाएगा एंड दूसरे साइड में भी मैं मॉली को इस तरीके से अटैच कर लूँगी। हैक नंबर 6 के लिए हमने वापस से ग्लिटर पेपर लिया है और यहाँ पे हम कुछ स्टोन लगाएंगे। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी राखी के लिए इस तरीके से आपको कुछ स्टोन हैं उनको साइड साइड में लगाना है और बीच में मोतियाँ लगा लेनी है, या बीच में आप चाहो तो बड़ा स्टोन भी लगा सकते हो। एंड वापस से एक और अलग साइज़ का लेंगे हम ग्लिटर पेपर। तो ये वाला थोड़ा बड़ा रखा है हमने, इसकी जगह पे आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं गोल्डन जो है वो थोड़ा मिक्स हो जा रहा है, तो मैं ऐसा करूँगी कि यहाँ पे मैं पिंक कलर का ग्लिटर पेपर यूज़ करूँगी, जिससे ये बहुत ही क्यूट सा ट्रेडिशनल डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आज का क्वेश्चन ये है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू ऑल।